राष्ट्र के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय स्वदेशी, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज की सभा में उपस्थित हमारे जिले के और हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री जी, मंदिर कमेटी के प्रधान सुबेदार सिंह जी, सुबेदार रामोतार सिंह जी और किशन स्वरूप जी महाराज, जो एक आदर्श गौशाला माजरी आश्रम में चलाते हैं, जो एक गौशाला कैसी होनी चाहिए वो हम वहां से सीख ले सकते हैं। ये जो गुरुकुल है, ये बाबा जयराम दास की भूमि पे जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, उस ज्ञान का परिणाम है। इसीलिए इस गुरुकुल का नाम बाबा जयराम दास ज्ञान भूमि भाई राजीव दीक्षित गुरुकुल रखा है। गुरुकुल की प्रेरणा हमें भाई राजीव दीक्षित जिसे प्राप्त हुई, उनका एक सपना था हर गांव में एक गुरुकुल हो, जो भी गरीब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हो, माता पिता रहित बच्चे हो, उनको उस गुरुकुल में व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, संस्कार दिए जाए, भारतीय संस्कृति को बचाया जाए। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए बाबा जयराम दास जी के आशीर्वाद से ये गुरुकुल की स्थापना हुई। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे बीच में उपस्थित हमारे चाचा जी श्रीमान ब्रिजपाल जी और उनके स्वर्गीय भाई विक्रम जी, जिन्होंने आज के इस समय में इतना बड़ा सहयोग दिया, गुरुकुल को निःशुल्क 2.5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई। और मैं चाचा जी आपको ये आश्वासन देता हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से कि इस भूमि के अंदर से हजारों ऐसे विद्यार्थी पढ़ के निकलेंगे जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करेंगे। अगले 3 महीने के अंदर महेंद्रगढ़ जिले के हर गांव में इस गुरुकुल की टीम के सदस्य होंगे, जो उस गांव से जो भी जरूरतमंद बच्चा है, माता पिता रहित है या आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है, वो उसकी खोज करके इस गुरुकुल को देंगे और उस बच्चे को हम IAS ऑफिसर से लेके, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके, अर्थशास्त्र से लेके, आयुर्वेद से लेके, वकील से लेके, हर प्रकार की आधुनिक और वैदिक शिक्षा, सनातन शिक्षा देंगे। इस गुरुकुल से निकला हुआ कोई भी बच्चा पथ भ्रष्ट नहीं होगा, चरित्रहीन नहीं होगा, शराबी नहीं होगा, उसकी हर एक सांस राष्ट्र के लिए होगी, देश के लिए समर्पित होगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने, आपकी सरकार ने एक इतना बड़ा कदम उठाया है, हम हाथ जोड़ के उस कदम के लिए सभी कार्यकर्ता वंदन करते हैं। लगभग 15 राज्यों के कार्यकर्ता इस गुरुकुल के 3 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। पिछले 3 दिनों में हजारों किसानों को 1 एकड़ में 7 लाख रुपए कैसे बचत ले, बिना दवा के कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बचाएं, ये सारी कलाएं इन 15 राज्यों के कार्यकर्ताओं ने सिखाई। हमारे बीच में हर्षद भाई जी हैं, गुजरात से 85 वर्ष के युवक हैं, 85 वर्ष के युवक हैं जो गुजरात से हम सबको निःशुल्क सिखाने के लिए आए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार है। इस गुरुकुल के अंदर आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा और सनातन शिक्षा हम देंगे। हमारा उद्देश्य बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है, ना कि रटाना है। इसी विषय में हमने प्रथम कक्षा का कायदा आज लॉन्च किया है। हम देखते होंगे अगर 5वीं कक्षा में भी किसी बच्चे से पूछा जाता होगा A4 तो वो एप्पल ही बोलेगा, लेकिन इस गुरुकुल का विद्यार्थी A4 आयुर्वेदा भी बोलेगा, A4 एप्पल भी बोलेगा। उसे ये मतलब होगा, ज्ञान होगा कि A4 एप्पल का क्या मतलब है। वो रटेगा नहीं, वो चीजों को समझेगा। आपका हमें आशीर्वाद चाहिए। आप इस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं आपका इस सहयोग से हम पूरे भारत में आपके इस गांव का नाम रोशन करेंगे। अभी हमारे पास 15 विद्यार्थी हैं, 45 ऐसे